नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 8 के बारे में। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि मूलांक 8 किसको कहेंगे या मूलांक 8 से प्रभावित व्यक्ति किसको कहेंगे। तो देखिए, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है, उन्हें हम कहेंगे कि ये जातक मूलांक 8 के हैं। साथ ही जिन भी जातकों की मकर राशि है और कुंभ राशि है, वो जातक भी मूलांक 8 के कहे जाएंगे। अब ये कैसे पता करें कि आपकी राशि मकर है कि आपकी राशि कुंभ है? देखिए, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा मकर राशि पर स्थित है या कुंभ राशि पर स्थित है तो आपकी राशि वो है। एक और चीज है, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी मकर राशि पर स्थित है अथवा कुंभ राशि पर स्थित है तो भी आप इन गुणों से प्रभावित रहेंगे। यानी जन्म कुंडली में सूर्य जहां स्थित हो वहां यदि 10 या 11 लिखा हुआ है तो भी आप कहीं ना कहीं इन गुणों से प्रभावित रहेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जो मूलांक 8 के प्रतिनिधित्व जो ग्रह करते हैं वो कौन है? वो शनि है। अब शनि का स्वभाव कैसा होता है? बिल्कुल वही चीजें परिलक्षित होती हैं मूलांक 8 वाले व्यक्तियों की जिंदगी में। जो सबसे पहला शब्द मेरे दिमाग में आता है मूलांक 8 के लिए वो यह है कि ऐसे लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, जी जान झोंक देंगे और खूब मेहनत करेंगे। यानी मेहनत करने में मूलांक 8 वाले और मकर राशियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतने हार्डवर्किंग होते हैं। दूसरी बात, डिटरमाइंड होते हैं। एक बार अपने मन में इन्होंने किसी चीज को ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो उस काम को ये निश्चित रूप से करेंगे। चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, ये लोग उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। फोकस्ड होते हैं, यानी कहीं भी रहे कोई भी काम करें इनका फोकस जो है बराबर अपने काम पर बना रहता है, फोकस को ये हटने नहीं देते हैं। कुछ हद तक ऐसे लोग सेक्रेटिव होते हैं, यानी इनके अंदर इनके मन में क्या चल रहा है ये चीजें इनसे निकलवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कई लोग होते हैं जो अपने अंदर की सारी बातें दूसरों के सामने रख देते हैं, खासकर मूलांक 2 वाले और 7 वाले, ये लोग तो बहुत जल्दी अपने अंदर कोई बात छिपा के नहीं रख सकते। लेकिन यह मूलांक 8 वालों की खासियत होती है कि वो कोई भी बात अपने अंदर समेट लेंगे और ऊपर से शांत और गंभीर बने रहेंगे। गंभीर बहुत होते हैं, सीरियसनेस बहुत ज्यादा इनमें दिखती है। ये इतने गंभीर होते हैं कि अगर ये घर में छोटे भी हों तो लोग इनको बड़ा समझते हैं। बातें बहुत मैच्योर करेंगे, परिपक्वता कूट कूट के भरी होती है इनके अंदर। आप इनकी बातें सुन लो, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। यदि मूलांक 8 के कोई बच्चे भी हैं, उम्र ज्यादा भले ना हो, पर बातें ऐसी करेंगे कि जैसे उनको पता नहीं कहाँ से कितना सारा अनुभव आ गया है उनके अंदर। ये क्वालिटी विशेष रूप से इनके अंदर होती है। काम की धुन में तो इतने मगन हो जाएंगे कि खाना पीना सब कुछ भूल जाएंगे। जिद्दी बहुत होते हैं, अगर एक बार कोई जिद इनको ठन गई तो फिर उस चीज से इनको कोई डिगा नहीं सकता। साथ ही ये कई बार अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये न किन प्रकारें अपनी बात ये मनवाना चाहते हैं, सामने वाला इनसे कन्विंस ना भी हो रहा हो तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक वो कन्विंस ना हो जाए तब तक वो उसको अपनी बात समझाते रहते हैं। इनके अंदर विचारों का एक ज्वार भाटा बना रहता है, अंदर ही अंदर ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, परंतु ऊपर से ये आपको इतने शांत और गंभीर दिखेंगे कि आपको पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं। ये भी एक इनमें चीज होती है। अब आ जाते हैं हम इनके कुछ निगेटिव क्वालिटीज की तरफ, या इनकी निगेटिविटीज क्या क्या है। देखिए, मूलांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं। यानी मैंने आपको क्या कहा, काम
में बहुत खो जाते हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज है, लेकिन कई बार काम में इस कदर खो जाते हैं कि अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहां फिर समस्या खड़ी होती है, इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रह पाते हैं, सीरियसनेस इतनी ज्यादा होती है कि मुलायम आठ के जो पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, बड़े कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत सीरियस रहते हैं, ये बहुत कम बोलते हैं, तो ये भी एक चीज होती है इनके साथ। दूसरी बात है कि शनि के प्रभाव की वजह से इनको किसी भी चीज को पाने के लिए दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों, इस बात को समझते हैं, शनि की प्रकृति जो है वह धीमे है, शनः शनः शनि, यानी धीरे चलने वाले शनि, इसीलिए ये जातक भी अपनी जीवन काल में धीरे धीरे प्रगति करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अचानक से तरक्की की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, पर इनके साथ ऐसा नहीं होता, शनिदेव इनको तपाकर, संघर्ष कराकर, तकलीफ दे करके फिर इनको निखारते हैं और तब ये सोना बनते हैं। आमतौर पर ये लोग के अंदर सारी चीजें होती हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, हार्डवर्किंग तो मैंने बता ही दिया आपको, इतने ज्यादा होंगे, लेकिन जब भाग्य की बात आती है तो बाजी कोई और मार ले जाता है, लेकिन ये उससे टूटते नहीं हैं, इससे ये डरते नहीं हैं, इनके अंदर एक अजब सी जिजीविषा होती है और ये लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। यानी इनका ये मानना है कि हमारे पास एक लक्ष्य है और हमें उस लक्ष्य को पाना है, चाहे कितनी भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, हम तो इसको पार कर ही लेंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, एम्बिशियस बहुत होते हैं और अपने इसी एम्बिशन को पूरा करने के लिए ये लोग दिन रात लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा ये भाग्य वाली चीज जो है इनके साथ होती है। दूसरी बात है कि कभी भी ऐसे व्यक्तियों को किसी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऐसे व्यक्तियों को बहुत सोच समझ करके पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वहां भी भाग्य का बड़ा एक प्रोमिनेंट रोल होता है और स्टॉक मार्केट में ये पैसा लगा करके बहुत जल्दी पैसा नहीं बना सकते, यानी इनको देर होगी ही होगी। तो अगर ये स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग जाना भी चाहें तो बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह इन चीजों से इनको दूर रहनी चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मनी जो है तुरंत बनाने की कोई स्कीम आती है उससे ये दूर रहे, नहीं तो ये लोग वहां पे धोखा खा सकते हैं, फंस सकते हैं, पैसा गंवा सकते हैं, डूब सकते हैं। एक और चीज, शनि को चूंकि अंधकार का भी कारक माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, तो कई बार ऐसे लोगों के मन में नकारात्मकता इतनी ज्यादा हावी हो सकती है कि फिर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, यानी जिन पर शनिदेव का प्रभाव बहुत ज्यादा है और वो लोग उनके निगेटिव क्वालिटीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये लोग इतने ज्यादा निगेटिव हो सकते हैं कि इनको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल हो सकता है, जीवन को देखने का जो इनका दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा निराशावादी हो सकता है और कई बार ऐसे लोग के मन में आत्महत्या तक के भी ख्याल आ सकते हैं, तो इससे भी इनको दूर रहना चाहिए। एक और चीज मुझे समझ में आती है जो कि इनको अपनी जो संगति है, संगति इनको अपनी ऐसी रखनी चाहिए जहां पे लोग स्पिरिचुअल हों, आध्यात्मिक हों और अच्छे कामों से जुड़े हुए हों, अच्छी बातों में लगे हुए हों, क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक है, दंडाधिकारी हैं और वह व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार दंड अवश्य देते हैं। अब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप तो शनिदेव से ही संबंधित मूलांक को बिलोंग करते हैं और आप अगर आपकी राशि भी मकर है तो भी आप कहीं ना कहीं शनिदेव की राशि से बिलोंग करते हैं, तो जब अपने घर का बच्चा गलती करेगा तो वो बहुत जल्दी नजर में आएगा, तो ऐसे लोग मूलांक आठ वाले लोग यदि थोड़ी सी भी गलती कर दें तो सजा बड़ी मिलती है, कई बार इन पर इल्जाम बहुत लगते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरों की गलतियों की सजा इनको मिल जाती है, इसलिए खुद को ऐसी चीजों से कोसों दूर रखें। बुरी आदतों के शिकार भी मूलांक आठ वाले जल्दी हो सकते हैं। जल्दी होने का अर्थ यह है कि आप
संगति है और संगति को देखकर क्या बहुत जल्दी सीखते हैं, तो आप क्योंकि आपके अंदर सीखने की प्रबल लालसा रहती है, प्रबल इच्छा रहती है, तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, स्पेशली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी प्रकार के तंबाकू का सेवन या कोई भी नशा, इससे मुलायम काठ वाले या मकर राशि वाले व्यक्तियों को काफी दूर रहना चाहिए, नहीं तो इनके अंदर निगेटिविटी हावी होती रहेगी। मूलांक आठ वाले व्यक्ति यदि समाज से जुड़ करके कोई काम करें, इनको अपना जीवन शनि सेवक है, देखिए अभी याद आया मैं बता रहा हूं, मैं इससे हम लोग इसको लिंक करते हैं, शनि सेवक है और शनि निर्धनों के मसीहा है, और आप किससे गवर्न होते हैं, किससे रूल होते हैं, तो आप शनिदेव से गवर्न होते हैं, उनकी राशि से, उनके अंक से गवर्न होते हैं। तो यदि आप अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दें, तब आप अनंत असीमित अपरिमित ऊंचाई पर जा सकते हैं। यानी यदि आप किसी एनजीओ को खोलें और एनजीओ से जुड़कर के सोशल सर्विस का काम करें, आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़ करके गरीब लोगों का कल्याण करें, आप अनाथालय बनवाएं, या फिर आप किसी इंडस्ट्री को खोलें और इंडस्ट्री से बहुत लोगों को रोजगार दें, आप धर्म के कार्य से जुड़ें और लोगों के अंदर धार्मिकता दें, पूजा पाठ की ओर जाने के लिए उत्प्रेरित करें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, तो ये शनिदेव आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी, क्योंकि शनि दंडाधिकारी हैं, और यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका आज न कल अच्छा रिजल्ट, अच्छा नतीजा आपको वो देंगे ही देंगे। तो ये चीज विशेष तौर पर मूलांक आठ वालों को ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही मूलांक आठ वाले व्यक्तियों की जो जीवन काल रहा है, क्योंकि शनि प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन काल में देर से राइज करते हैं, संघर्ष करते करते तपते हैं, सोना बनते हैं, उसके बाद रिजल्ट लेते हैं, तो एक फेज आता है इनके जीवन में 36वें वर्ष में, जब इनको अपने जीवन में एक अचानक बदलाव दिखता है, अचानक परिवर्तन दिखता है, और एक दूसरा फेज आता है 42वें वर्ष में, जिसमें ये फिर जो है तरक्की की तरफ उन्मुख होते हैं, और अपनी वृद्धावस्था में ये लोग संपूर्ण सुखों का भोग करते हैं और अपने जीवन में सुखी रहते हैं। यदि बाकी के घटक भी सहयोग कर दें तो और अच्छा, जैसे बाकी के कुंडली की ग्रहों की महादशा इत्यादि, ये चीजें अगर और साथ दे दें तो बहुत अच्छा। शनि का जो आठ अंक है, इसे बहुत जगह अशुभ माना जाता है, परंतु मेरा मानना है कि बड़ा ही रहस्यमय अंक है, इसको अनलकी कहना तर्कसंगत और न्यायसंगत मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस व्यक्ति में इतनी खूबियां होती हैं, इतनी क्वालिटीज होती हैं, हां एक चीज तो है देरी होती है, पर देर आए दुरुस्त आए, पर वो चीज कंक्रीट होती है, वो चीज सॉलिड होती है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है उस चीज की। तो ठीक है, जीवन है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, और मेरा मानना है कि यदि ऐसे लोगों के जीवन के प्रारंभिक भाग में कठिनाई आ जाए तो फिर लेटर फेज अच्छा रहेगा, और यदि फर्स्ट फेज अच्छा जा रहा है तो लेटर फेज खराब रहेगा, यानी कष्ट तकलीफ संघर्ष झेलना पड़ता है। पर मैंने एक बात बोली अभी कि इनको पूर्ण रूप से अनलकी कह देना या थोड़ा इनके बारे में इतनी निगेटिव बातें बोलना, अब चूंकि ये क्वालिटीज होती हैं तो बोलना पड़ता है, ये न्यूमरोलॉजी का साइंस है, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मेरा साइंस बोल रहा है, मेरी ज्योतिष विद्या की अध्ययन जो मैंने की है उसका ज्ञान ये कह रहा है। परंतु कुछ लोग मूलांक आठ वाले काफी ऊंचाई पर भी पहुंचे, जो सबसे पहला जो इनके लिए शब्द मैंने बताया था कि हार्डवर्किंग होते हैं, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो आज के वर्तमान समय में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर यानी
7 1 8 आठ अंक, और ये आठ अंक ने उन्हें इतना हार्डवर्किंग बनाया। शुरू में इनिशियल स्ट्रगल भी दी, लेकिन बाद में वो इस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, प्रधानमंत्री। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आज भी कितने हार्डवर्किंग हैं। कुछ सुझाव मुलायम आठ वाले व्यक्ति, देखिए एग्जांपल्स बहुत हैं, पर अब आपके लिए एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कुछ, कि उन सुझावों पर अमल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। सबसे पहले मुलायम आठ वाले व्यक्तियों को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुटना नहीं चाहिए। किसी एक व्यक्ति को ऐसे रखें और उनसे अपनी बात को आप शेयर करें, उससे आपको एक मानसिक सुकून मिलेगा। खुद को योग ध्यान और मेडिटेशन से जोड़ें। आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, आपको काम बहुत करना होता है, हमेशा बेचैन रहते हैं काम को लेकर के, तो थोड़ा सा आपको मानसिक सुकून भी तो चाहिए। उस योग प्राणायाम और ध्यान से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। खुद को किसी भी गलत तरीके से इलीगल, अनैतिक, इलीगल एज वेल एज इमोरल, इन दोनों चीजों से आपको दूर रखना है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, खूब पूजा कीजिए हनुमान जी की, जो भी आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, हनुमान अष्टक कीजिए, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, सुंदरकांड पढ़िए, जितनी ज्यादा आप पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की उतनी कीजिए। किसी एक बच्चे की, गरीब निर्धन बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाइए, किसी एक वृद्ध महिला की सेवा कीजिए या वृद्ध पुरुष की सेवा कीजिए, ठंड के महीनों में 5 कंबल का गुप्त दान दीजिए। रास्ते में जा रहे हैं कोई गरीब लाचार, ठंड से चिठुर रहा है, उस समय यदि आप उसको कंबल एक दे दें तो फिर श्रीदेव आपको क्या क्या देंगे ये आपने नहीं सोचा। यानी ये सारी चीजें यदि आप करेंगे तो आप जो मुलायम आठ वाले व्यक्ति हैं वो अपने जीवन काल में बहुत उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, और ऐसे लोगों को तपा करके सोना बनाते हैं, और सोना सोना ही होता है। यानी एक अंतिम शब्द मैं इनके लिए कहना चाहूंगा आज के प्रोग्राम में, लास्ट वर्ड जो इनके लिए है, दे आर यूनिक पीपल। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मुलायम आठ वाले इस उपाय को जो है करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।